हमारे महाकाव्य रामायण के अंदर रावण को जीतने के बाद में और अयोध्या लौटने के बाद में, जहां अयोध्या की प्रजा जो है वो अपने आप के अंदर खुशियां मनाने के अंदर मस्त थी, ऐसे समय में ही एकमात्र धोबी के उल्हाने के कारण गर्भवती सीता मैया को भगवान राम ने त्याग दिया। और उस समय में न जाने उस घटना को सुन करके, देख करके, पढ़ करके हमारे मन के अंदर विविध प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं कि आदर्श पुरुष के रूप में हमें जीवन के हर पहलू में सीख देने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों किया होगा। बात है एक बार सीता मैया जो है अपने सहेलियों के साथ में बगीचे के अंदर टहलकदमी कर रही थी, खेल रही थी, बतिया रही थी, और उस आनंद की घटनाओं के बीच में वहाँ पर एक तोता और मैना दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए एक दूसरे से आपस में चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और वहाँ पर तोता है वो मैना को प्रभु राम और सीता मैया के विवाह की कहानी सुना रहा था। सीता मैया ने जैसे ही अपना नाम सुना और अपना विवाह किसी राम के साथ में होने की घटना को सुनी, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सीता मैया ने वहां जाकर के तोता और मैना से पूछा कि वो सीता तो मैं ही हूं, तुम्हें मेरे भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कैसे है, तुम क्या जानते हो, तुम्हें कैसे पता है राम कौन है। और ये जिज्ञासा स्वतः एक मानव के भीतर पैदा होती है, वही सीता मैया के मन में पैदा हो गई। और तोता और मैना ने बताया कि वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के अंदर रहा करते थे और वाल्मीकि ऋषि उन्हें रामायण महाकाव्य जो है सुनाया करते थे। परिणाम स्वरूप रामायण की उनको एक एक घटना कंठस्थ है। सीता मैया को और ज़्यादा रुचि जागृत हो गई और जब उन्होंने उसके बारे में पूछा तो तोता और मैना ने राम के साथ में शादी से लगा करके सीता मैया के भविष्य के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। अब क्या था, सीता मैया के मन में एक भाव पैदा हो गया कि क्यों न इन तोता और मैना को सदा सदा के लिए मैं अपने पास में रख लूं, ताकि इनके सुखद बातों से मेरे जीवन के अंदर सुख की अनुभूतियां होती रहे। तोता और मैना ने प्रार्थना की कि हम आजाद पंछी हैं, हमें पिंजरे में बंद मत कीजिए। उनके द्वारा ज्यादा आग्रह करने के बाद में सीता मैया ने तोता को तो छोड़ दिया, लेकिन मैना को पिंजरे में कैद कर लिया। तोता ने बहुत अनुनय विनय किया, सीता मैया के साथ में उनकी सहेलियां थी, वो अपनी इटखेलियां कर रही थी, उन्होंने तोता की एक न सुनी। कहते हैं उस समय में मैना गर्भवती थी और तोते से दूर होने के वियोग के अंदर मैना ने तुरंत अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए। ये देख करके हालांकि सीता मैया को भी बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ, लेकिन अब तो कहते हैं ना, समय निकल चुका था, बात बीत चुकी थी और गुजरा हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। अब सीता मैया के पास में पछतावे के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन तोते ने उस समय में सीता मैया को एक श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से गर्भावस्था के अंदर तुमने मेरी मैना को मुझसे पृथक किया है, तुम्हें भी इसी जीवन के अंदर गर्भावस्था के अंदर ही अपने पति का त्याग करना पड़ेगा। और कहते हैं कि वैसा ही हुआ। जब प्रभु राम लंका विजय करने के बाद में वापस अयोध्या लौटे तो एक धोबी ने उन पर उल्हाना लगा दिया और उस उल्हाने की वजह से अयोध्या में प्रभु राम और सीता के विषय में गांव और गली में न जाने किस किस प्रकार की चर्चाएं होने लगी। और उसके परिणाम स्वरूप दुनिया के सामने एक और आदर्श स्थापित करने के लिए प्रभु राम को सीता मैया का त्याग करना पड़ा। यानी यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वो धोबी जो था, वो धोबी ही वह तोता था जिसके श्राप का परिणाम सीता मैया को भोगना पड़ा। तो दोस्तों, ये बात सनातन संस्कृति का हर ग्रंथ कहता है
कि कर्म की गति का फल मिलता ही मिलता है, भूल चाहे जानकर की गई हो या अनजाने में की गई हो। अनजान में की गई भूल की सजा राजा दशरथ को भी मिली थी, तो ठीक इसी प्रकार से सीता मैया को भी अपनी उस भूल का प्रायश्चित कह दीजिए या उसकी सजा कह दीजिए, कर्म की गति कह दीजिए, उसका परिणाम भोगना पड़ा था। हम भी रामायण जैसे इस महाकाव्य के साथ में अपने कर्म गति को जो है किस प्रकार से बनाए रख सकते हैं, इसका कहीं न कहीं कुछ अनुसरण किया जा सकता है। बोलिए जय राम जी की।